मझबलिया गांव में बाबा भारी राम के मंदिर पर अखंड कीर्तन के बाद आज पुनौती किया गया, क्या कुछ कहिएगा? आज बाबा भारी राम का जन्म दिवस भी है। आज हरिराम बाबा का जन्म दिवस भी नहीं है, है ना, जेठ में पहला गुरुवार जो पड़ता है ना, उसी दिन बाबा हरिराम ब्रह्म जी ब्रह्म का सम्राट है और वो अब शिव का अवतार में हो गए हरिराम बाबा, है ना। अब वो मानो नहीं देवता शिव में अब आ गए हैं, तो हम लोग सभी आदमी बड़ी हर्ष उल्लास के साथ साल में एक बार यहाँ पर ऐसा कार्यक्रम बहुत बढ़िया से होता है, करते हैं और करते रहेंगे। बस उनके जन्मदिवस के अवसर पर लोगों के बीच क्या कुछ संदेश पहुँचाना चाहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि जिस तरह से ये सुमति है ना, ऐसा ही हमारे क्षेत्र में हमारे भारतवर्ष में हरिराम बाबा की कृपा बने और सुमति हो। जब सुमति होगा ना तो संपत्ति और हर एक चीज हो जाएगा, केवल सुमति की जरूरत है। और ऐसा करने से हमारा समाज जुड़ता है, आपस में बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, भाईचारे का रिश्ता बढ़ता है ये करने से। अपना परिचय बता दीजिए। हम मदन जी पराशर तरीवन। क्या कुछ संदेश दीजिएगा बाबा हरिराम के जन्मदिवस के अवसर पर? 410वां वर्ष मनाया जा रहा है यहाँ, भगवान करे सब लोग मिलकर के मनाते रहें और सब लोगों का बाबा कल्याण करते रहें, यही कामना है। उनके बारे में क्या कुछ बताना चाहिएगा लोगों के बीच में? वो तो सम्राट है ब्रह्मों के, ब्रह्म सम्राट है, आज से है, महरवा में भी है, यहाँ भी है, पांच गांव में ये लोग निवास करते हैं, वहाँ वहाँ मंदिर है, छठवां महरवा में भी है। अपना परिचय बता दीजिए। हमारा आचार्य विमल पाठक, ग्राम पोस्ट पूनक। जन्मदिवस के अवसर पर बाबा हरिराम के जिस तरीके से जन्मदिवस मनाया जा रहा है, क्या कुछ संदेश दीजिएगा लोगों के बीच में? देखिए, इसका तो स्पष्ट संदेश है कि सब लोगों को जहाँ भी हो, जैसे हरिराम बाबा की 410वां जयंती मनाया जा रहा है और 18 वर्षों से धूमधाम से मझवलिया के लोग मनाते हैं और क्षेत्रीय लोगों को भी बुलाते हैं, इसे आप लोगों में संदेश जाता है कि जहाँ जहाँ भी मंदिर हो, जहाँ जहाँ भी व्यवस्था हो, वहाँ हर समय पूजा करना चाहिए और इसका भरपूर प्रचार होना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहिएगा बाबा हरिराम के जन्मदिवस के अवसर पर मझवलिया गांव में पहुंचे हुए हैं मंदिर पर? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा और कहते हैं कि यहाँ पे बाबा हरिराम ब्रह्म महाराज जी एक ऐसे ब्रह्म है जिनका 410 वर्षों से मनाया जा रहा है और ये हमारे समिति के अध्यक्ष है सुधीर दुबे जी, उन्हीं के माध्यम से हो रहा है, वो करवाते हैं यहाँ पे प्रत्येक वर्ष। और ऐसे कहा भी जाता है शास्त्रों में, वेदों में लिखा है कि विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कबलावरो हम, विप्र प्रसादात अजिता जितो हम, विप्र प्रसाद